मोस्ट वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास क्लास फोर सब्जेक्ट साइंस लेसन थ्री फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कंटिन्यू माई सेल्फ मिसेस अंजलि सरोदे योर साइंस टीचर स्टूडेंट टॉपिक यूजेस ऑफ फ्रूट्स पेज नंबर 22 सो लेसन केयरफुली फ्रूट्स खाना तो अच्छी बात है पर वो किस तरह से खाते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड है कि जूस बना के खाते हैं सलाद बना के खाते हैं तो पहले जान तो ले हम कि इसके यूजेस क्या है और कौन अलग अलग तरह का यूज़ करते हैं एंड फ्रूट्स हमें किस तरह से हेल्दी रखते हैं तो देखेंगे दीज आर द फ्रूट्स बहुत सारे फ्रूट्स के पिक्चर्स है इसमें से आपका हो सकता है फेवरेट फ्रूट भी हो तो ये सब फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और ये फाइबर भी बहुत होता है इसमें तो ये जितना हम खाएंगे सलाद बना के चाहे जूस बना के चाहे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फ्रूट्स की जाम जेली तो वही तो देखना है वही तो करना भी है सिर्फ देखना रीड करना लर्न करना नहीं है भरपेट खाना भी है और हेल्दी और स्ट्रांग रहना है किस लिए पढ़ाई करने के लिए चलो यूजेस ऑफ फ्रूट्स तो देखेंगे यूजेस ऑफ फ्रूट्स क्या है यूजेस ऑफ फ्रूट्स नंबर वन ड्राई फ्रूट्स लाइक कैशोनट अलमंड्स वॉलनट्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेज दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग द विंटर सीजन देखो आपके राइट साइड पे मैंने पिक्चर्स दिखाए ड्राई फ्रूट्स के आपको पता चले इसलिए पता तो है आपको पर वो देख के आपको ऐसे लगे कि नहीं मैं अभी अभी खा लूँ तो देखो मुट्ठी भर के हमें तो ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए मिक्स ड्राई फ्रूट्स एवरीडे यू हैव टू ईट इन द अर्ली इन द मॉर्निंग इन द सेंस कि दूध वगैरह पीने से पहले अगर आप मुट्ठी भर के ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स खाएंगे ना तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए बस मुट्ठी भर पे के बहुत होते हैं और चियो चबा के अच्छे से खाना बाद में मिल्क पी लो और उसके बाद ब्रेकफास्ट जो मम्मी देती है वो अच्छे से खा लो तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए तो भी ये सब इस चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जैसे खीर में डालते हैं स्वीट्स मिठाई में डालते हैं ये ड्राई फ्रूट्स वो गार्निशिंग के लिए डालते हैं पर विंटर सीजन में स्पेशली इसका लड्डू बनाते हैं हर स्टेट में बनाते हैं अपने अपने तरीके से बनाते हैं बट दैट्स गुड फॉर आवर हेल्थ बहुत अच्छा होता है ये ड्राई फ्रूट्स का लड्डू तो प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेस दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग द विंटर सीजन में जो बनती है उसके लिए हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं तो ये है ड्राई फ्रूट्स हमने देखा अभी देखो सेकंड यूज़ देखेंगे सेकंड है बिटर गार्ड करेला जैक फ्रूट्स ब्रिंजल ओकरा टोमेटो और सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज एज वेजिटेबल्स में भी फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है ये वेजिटेबल्स इसको फ्रूट्स कहलाते हैं तो इनका भी यूज़ किया जाता है थर्ड देखेंगे वन बाय वन तो देखना ही है पर पहले एक बार रीड कर लें सम फ्रूट्स लाइक मैंगो लेमन स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेरिंग पिकल्स एंड चटनी तो दीज आर द यूजेस ऑफ फ्रूट्स अभी ये तो इकट्ठा देख लिए ना अभी हम वन देखेंगे तो आपको उसके पिक्चर्स भी पता चलेगा और क्या चीज़ है कैसे है किसको क्या कहते हैं किस तरह से खाते हैं है ना डिटेल चलो तो दिस इज योर पेज आपका है ये कौन सा पेज है नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस आर द ड्राई फ्रूट्स देखो कितने सारे ड्राई फ्रूट्स है तो यूजेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो हमने देखा था कि ड्राई फ्रूट्स लाइक कैशोनट ये जो पूरे तरह के अलग अलग ड्राई फ्रूट्स आप देख रहे हैं ना तो आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेस दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग द इन विंटर सीजन तो विंटर सीजन स्पेशल ये ड्राई फ्रूट्स खाना है पर ये ऐसा नहीं कि विंटर सीजन में पर थोड़े कभी हॉट रहते ऐसे हीट होती है ऐसे बोलते हैं कुछ लोग तो ये कुछ लोग भिगो के खाते हैं वो डिपेंड है उसका नेचर कैसे है और विंटर में खाए तो बेस्ट होता है डाइजेशन के लिए भी विंटर सीजन है तो गर्मावट भी होती है तो तब चाहिए भी खाना भी ज़्यादा चाहिए तो ऐसे वक्त पे भोजन से पहले अगर हम ये मॉर्निंग में खा ले तो दिन अच्छा जाएगा तो ये है ड्राई फ्रूट्स का कमाल तो दूसरा हमने यूज़ देखा था जो कि बिटर गार्ड जैक फ्रूट
तो ये है देखो बेटा, बिटर गार्ड मीन्स करेला है, जैक फ्रूट जिसे कटहल बोलते हैं, ब्रिंजल आप जानते ही हैं, मैं वन बाय वन नाम ही बताऊंगी वैसे उसका, ये बिटर गार्ड है। कड़वाहट इसलिए आप बहुत सारे बच्चे नहीं खाते होंगे, पर अच्छा रहता है ये, इसका जूस भी बड़े लोग पीते हैं, इसकी काट के सब्जी बहुत अच्छी होती है। हाँ जाम वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कड़वा होता है, पर इसकी वो खाया करो, चाहे गुड़ और कुछ डाल के मम्मी बनाएगी तो उसको खट्टा मीठा डाल के अगर बनाते तो खाया करो, ये अच्छा है सेहत के लिए। देन ब्रिंजल भिंडी है, ओकरा एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज एज वेजिटेबल्स। तो देखो वन बाय वन, बिटर गार्ड हो गया, ये है जैक फ्रूट, केरला में तो बहुत होता है, रोड पे और कहीं सब तरफ मिलता है क्योंकि उस वहाँ के कंडीशन के अनुसार ये वहाँ पे हो जाता है जल्दी। फिर ये ब्रिंजल, ये तो मार्केट में सब टाइम अवेलेबल होता है, और ये भिंडी, तो ऑल दीज आर द फ्रूट्स वी यूज एज अ वेजिटेबल्स करके हम इसका यूज़ करते हैं और खाते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज फिनिश, अभी थर्ड यूज। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेरिंग पिकल्स एंड चटनी, है ना, चटनी और पिकल्स बनाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। जैसे देखो एक पिकल किसी के साथ भी खाओ मज़ा आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाती है खाने की। तो ये पिकल्स बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट से बनाया जाता है, पर ये मैंगो का तो बहुत बढ़िया फेमस है, सब तरफ फेमस है। तो इस तरह से पिकल्स हम बनाते हैं फ्रूट्स का। और दूसरा इसका यूज़ है जाम जेली बनाने के लिए भी, इवन कैंडी भी बनाते हैं, आपको पता होगी आप तो खाते हैं। तो चटनी भी बनाते हैं फ्रूट्स की और अलग अलग तरह के, और हर स्टेट में पता है कि बनाने का स्टाइल अलग होता है, बट यूज सेम होता है, हेल्थ पे असर वो भी सेम ही होता है, तो इसलिए सबने ये खाना ही चाहिए। अभी होमवर्क तो देना है आपको, सो नोट डाउन योर होमवर्क, राइट थ्री यूजेस ऑफ फ्रूट्स इन सी डब्ल्यू बुक। आपको ये जो तीन यूजेस दिए हैं ड्रॉ नहीं करना है पिक्चर, बस यूजेस लिखना है, राइट हेडिंग दो यूजेस ऑफ फ्रूट्स और उसके नीचे 1 2 3 करके एक एक लाइन लीव करके छोड़ेंगे तो अच्छी हैंड राइटिंग है और दिखने में अच्छा दिखेगा, अपना सी डब्ल्यू बुक भी बड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए, है ना। तो राइट थ्री यूजेस ऑफ फ्रूट्स इन सी डब्ल्यू बुक, सी डब्ल्यू बुक में आपको ये तीन यूजेस लिखने हैं, 1 2 3 याद दिलाओ, मिस यूजेस नहीं, आपको याद है आप कर लेना, और बुक में तो है ही आपके, तो बुक में से भी नोट डाउन करो और वो कर लेना, ठीक है ना। बुक में से ही लिखा है मैंने, पेज नंबर 20, पर आपको अच्छे से पिक्चर्स दिखाने हैं थे इसलिए मैंने बुक इस पेज पे यूज नहीं किया, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी जब रिवाइज करेंगे तब, तो देखना ही है। सो इस तरह से आपको ये अपना होमवर्क अच्छे से करना है, और होमवर्क करते करते आपको लर्न भी करना है, हार्डवर्ड्स जो भी लगते हैं आपको यू हैव टू अंडरलाइन एंड वेयर यू हैव टू राइट इन योर रब बुक, हार्डवर्ड फिलहाल